फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर अब तक सलमान और शहनाज की खूब चर्चाएं हो रही थी। इस फिल्म में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी सलमान की देखने को मिली, तो वहीं सलमान के बाद शहनाज गिल का भी फैंस के बीच काफी क्रेज दिखाई दिया। लेकिन ये क्या, अब आ गई है शहनाज, सलमान और फिल्म के हर एक सदस्य के लिए बुरी खबर। असल में अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन ने फिल्म के गाने जिसमें नर्सरी राइम्स का इस्तेमाल किया गया है, लेट्स डांस छोटू मोटू को फिल्म से हटाने और सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स से हटाने की मांग की है। अर्ली चाइल्ड एसोसिएशन ने एक ओपन लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने नर्सरी राइम्स को गाने में इस्तेमाल करने के लिए आपत्ति जताई। एसोसिएशन का कहना है कि जब बच्चों की बात आती है तो फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ी सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए, ऐसी आउटडेटेड राइम्स को मूवीज में ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। एसोसिएशन से जुड़ी एक अथॉरिटी ने बयान दिया कि जहां पेरेंट्स और स्कूल ऐसी पुरानी राइम्स से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, वहां ऐसी आउटडेटेड राइम्स को फिल्म में ग्लोरीफाई किया गया है। अथॉरिटी ने कहा कि सलमान से बच्चे बहुत प्यार करते हैं, यानी कि अब माएं ये गाना अपने बच्चों को खिलाते वक्त या फिर बर्थडे पार्टीज में सुनाएंगी, जबकि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जी हाँ, एसोसिएशन ने राइम्स को आउटडेटेड बताया और साफ साफ कहा कि ऐसी राइम्स का प्रमोशन नहीं किया जाना चाहिए। एसोसिएशन ने दो टुक कहा कि गाने में बच्चों की राइम्स डाल कर मेकर्स को कुछ हासिल नहीं होगा। वेल तो लीजिए, अर्ली चाइल्ड एसोसिएशन ने तो लेट्स डांस छोटू मोटू गाने पर बैन लगाने की मांग की है। वेल, आपको क्या लगता है, क्या एसोसिएशन ठीक कह रही है, क्या ये बच्चों के लिए ठीक नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।